स्वागत है आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग अमित, आलोक, नाजिया, निष्ठा, पवन, दिनेश, राहुल, आलोक, जिक्रा, स्वाति, ओके एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम 14th दिसंबर के जो भी हमारे टॉप मोस्ट हेडलाइंस है उसको डिस्कस करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की, कि दिसंबर मंथ में कौन कौन सी बैच स्टार्ट हो रही है। तो हमारी जो बैच एक स्टार्ट होने जा रही है वो आज से स्टार्ट होगी, दैट इज 14th ऑफ दिसंबर। सो आज से एक नई बैच स्टार्ट हो रही है, ये बैंक और एसएससी दोनों के लिए है और बाइलिंगुअल में है, दैट मीन्स ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे। अगर हम बैंक की जो बैच है इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये इवनिंग 7:30 to 9:30 इसकी टाइमिंग है। एसएससी की बात करें तो 1 to 3 PM इसकी टाइमिंग है। ये बैच आपकी आज से स्टार्ट हो रही है और एक और बैच स्टार्ट हो रही है बैंक की, बट ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और इसकी जो टाइमिंग है वो इवनिंग 6:30 to 8:30 है। तो जिनको इनरोल करवाना है आप इनरोल करवा लीजिए, ये बैच आज से ही स्टार्ट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगी 21st दिसंबर एंड जो लास्ट बैच है वो स्टार्ट होगी 28th ऑफ दिसंबर से। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बैंक और एसएससी के लिए है, बाइलिंगुअल में होगा, टाइमिंग थोड़ा अलग अलग है, बट 28th दिसंबर को एक और बैच स्टार्ट होगी बैंक की जो बंगाली लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो इनरोल करवा लीजिए। कैसे करवाना है इसके लिए सिंपली आपको महेंद्राज की जो वेबसाइट पे उस पर आप विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.mahendraz.org, या फिर आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी नियर बाई ब्रांच है वहाँ पर विजिट करके आप बहुत ही ईजी वे में इनरोल करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज से बैच स्टार्ट हो रही है, फटाफट से इनरोल करवा लीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो जो अपकमिंग बैचेज हैं आप उनमें भी इनरोल करवा सकते हैं, ओके। चलिए वेरी गुड मॉर्निंग विवेक, दिनेश, गौरव, मनोज, निष्ठा, जीतू, रूपेंद्र, करण, ओके एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अब आते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे पर, कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। सो यहाँ पर स्वीट श्रद्धांजलि ने एक थॉट शेयर किया था जिसको आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करेंगे, दैट इज कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है। अगर आ गए इस दुनिया में तो जरूर कुछ करके जाना है, क्योंकि लोग बातें नहीं कारनामे याद रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है पूरी जो ये पूरे जो एक मैसेज है इसका एक सिंपल सा मैसेज ये है कि आपको इंडिपेंडेंट होना है, किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं रहना है, आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। कोई आपका साथ हमेशा के लिए नहीं देता है, मतलब लोग आपका साथ भी तब तक देते हैं जब तक आपके दिन अच्छे होते हैं, मतलब कौन हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, कौन हमारे साथ बुरा बिहेव कर रहा है, ये हम पर डिपेंड नहीं करता, ये हमारे टाइम पर डिपेंड करता है कि हमारा टाइम कैसा चल रहा है। अगर हमारा टाइम अच्छा चल रहा है तो लोग हमारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं, अगर हमारा टाइम बुरा चल रहा है तो लोग किनारे से निकल लेते हैं, फिर पता नहीं चलता कि कौन कौन हमारे लाइफ में थे, है ना। तो कभी भी आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, है ना। ये जो वर्ड है इसको हटा दीजिए, आपको इंडिपेंडेंट रहना है, जो भी करना है आपको खुद करना है, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जो आप कर सकते हैं आपके लिए वो कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये जो पूरा मैसेज है इसका एक सिंपल सा मैसेज इस थॉट के थ्रू आपके लिए यही है कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, साथ आपको सबका लेके चल रहा है, सबके साथ रहिए, बट किसी के ऊपर इतना निर्भर ना रहिए कि उसके बिना आपका कोई काम हो ना पाए, ठीक है। यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट रहना है, ये आज का हमारा मैसेज है। सो वेरी वेल डन श्रद्धांजलि, बहुत दिन बाद एक अच्छा सा थॉट देखने को मिला तो मैंने सोचा इसको शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ भी। तो ऐसे ही आप लोग थॉट शेयर करते रहिए और हम आपके मैसेज को बाकी लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। सो इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और बात कर लेते हैं हमारे आज के चैंपियंस की, कि हमारे आज के चैंपियन कौन है, ठीक है, ओके। सो ये जो स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहे हैं ये सभी क्या है, हमारे आज के टॉप चैंपियंस हैं। इन सभी लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन जो हमने कल पूछा था होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया था उसका करेक्ट आंसर इन सब लोगों ने दिया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरीवन जिन जिन लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट किया था, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहिए, चैंपियन बनते रहिए, विनर बनते रहिए और एक दिन आप एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है।
ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं और चौक एंड लाइन की बात करते हैं। स्टार्टिंग डेली हमारा इम्पोर्टेंट डेज से होता है, तो आज भी इम्पोर्टेंट डेज से ही स्टार्ट करेंगे। आज क्या है? आज है 14 दिसंबर, और 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? ओके, तो 14 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर इसकी हम बात करें तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के ओकेजन पर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड भी दिया जाता है, जो आज द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है? सो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर हुआ? तो आपने इंपॉर्टेंट डेज की जो एक लिस्ट बनाई है उसमें एक और ऐड कर लीजिए, वो है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 दिसंबर। क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? 14 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, और आज क्या है? आज 14 दिसंबर है, तो आज क्या है? आज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है। क्लियर हो गया? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 11 दिसंबर को, ठीक है? ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी से बताइए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी बताइए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 दिसंबर को, ठीक है? आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है 7 दिसंबर को। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, जल्दी से बताइए, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर को, ठीक है? सो इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर, एंड वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये भी सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर को, ठीक है? यूनिसेफ डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी आपका 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सार्क चार्टर डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी से बताइए, ये कल हम लोगों ने किया था। सो सार्क चार्टर डे, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, वर्ल्ड सॉयल डे, इंडियन नेवी डे, एंड नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ये सारे डेज हमने कल किए थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि कल इसको हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है? और स्टार्टिंग का जो था वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो उसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है ये एक्सरसाइज से रिलेटेड है, और इसका नाम है कॉर्पेट एक्सरसाइज। क्या नाम है? कॉर्पेट। सबसे पहले एडिसन की बात करते हैं, ये कौन सा एडिसन है? ये है 39th एडिसन, ठीक है? कौन सा एडिसन है ये? 39th एडिसन है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है, ठीक है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, और इस बार ये 39th एडिसन है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कॉर्पेट। ये सिर्फ इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में नहीं होता है, और भी कंट्रीज के बीच में होता है, बट फिलहाल यहाँ पर इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज है, जिसका नाम क्या है, शॉर्ट में जिसको हम कॉर्पेट बोलते हैं, इस बार इसका 39th एडिसन क्या किया गया? ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है? कहाँ पर किया गया? पोर्ट ब्लेयर में। सो पोर्ट ब्लेयर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं, एडिसन कौन सा है? 39th एडिसन है, ठीक है? आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, ये एडिशन कौन सा है? ये 39th एडिशन है। पहला पॉइंट, किसकी बात हम कर रहे हैं? इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, मतलब ये इंडोनेशिया कॉर्पेट एक्सरसाइज है, ठीक है? कौन सी एक्सरसाइज है ये? कॉर्पेट एक्सरसाइज है, जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट कराई गई, मतलब जो इंडियन नेवी है और जो इंडोनेशियन नेवी है उनके बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। तो ये एक तरीके का कैसी एक्सरसाइज है? ये आपकी नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है? क्योंकि ये इंडिया और इंडोनेशिया नेवी के बीच में होता है, तो ये कैसी एक्सरसाइज है? ये नेवल एक्सरसाइज है। एडिशन कौन सा है? 39th एडिशन है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? कॉर्पेट, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? ओके, सो 39th एडिशन, इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, दैट इज कॉर्पेट एक्सरसाइज, इंडिया और इंडियन नेवी के बीच में कंडक्ट कराया गया। 8th से 19th दिसंबर तक ये कंडक्ट कराया जाएगा।
ये 8th से 19th दिसंबर के बीच 19th दिसंबर तक कंडक्ट कराया जाएगा और ये दो पार्ट में होगा, ठीक है। ये आपका दो पार्ट में होगा, पहला जो पार्ट है वो आपका इंडोनेशिया में होगा, इसका जो पहला पार्ट है वो इंडोनेशिया में होगा और इसका जो दूसरा पार्ट है वो पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में होगा। इसका जो दूसरा पार्ट है वो अंडमान एंड निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में होगा। कहाँ पर होगा? इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा? एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। इसको कहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा? जो हमारा ये IMBL है, IMBL क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा जो अंडमान एंड निकोबार के पोर्ट ब्लेयर पर इसका जो दूसरा पार्ट होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले 39th एडिशन है, नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और इंडोनेशियन नेवी के बीच में कंडक्ट कराया जा रहा है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? कॉर्पेट एक्सरसाइज है। 8th से 19th दिसंबर तक इसको कंडक्ट कराया जा रहा है, दो पार्ट में होगा, पहला पार्ट इंडोनेशिया में होगा और दूसरा पार्ट अंडमान एंड निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में होगा, ठीक है। कहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा इसका जो दूसरा पार्ट है? इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जो है, यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा? एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर इसकी हम बात करें इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन की, तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पर एक मैरीटाइम लाइन होती है और इंडिया ने इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया था श्रीलंका के साथ। आप लोगों को याद होगा पाक स्ट्रेट, आप लोगों को पता है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक जगह होती है पाक स्ट्रेट, वहीं पर ये क्या किया जाएगा? ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। तो जो इसका सेकेंड पार्ट है अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर पर जो ये कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो यहाँ पर पाक स्ट्रेट के पास क्या होगा? ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? आप लोग अभी इंपॉर्टेंट डेज ही बता रहे हैं, वो हो गया, चला गया और उसमें से आधे हम लोगों ने पढ़ लिए और आधा आप लोगों को होमवर्क मिल गया था। तो इम्पॉर्टेंट डेज से थोड़ा बाहर आइए और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए, ठीक है। बताइए यहाँ पर सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? 39th एडिशन है, कॉर्पेट एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, किन कंट्रीज के बीच में? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। 8 से 19 दिसंबर तक कंडक्ट कराया जाएगा, दो पार्ट में होगा, पहला पार्ट इंडोनेशिया में, दूसरा पार्ट अंडमान एंड निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में होगा, ठीक है। इतने पॉइंट्स हो गए। और कहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा ये जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है? इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पर इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर हम इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन की बात करें, तो ये क्या है? ये इंटरनेशनल लेवल पर एक मैरीटाइम लाइन होती है जिसके लिए इंडिया ने श्रीलंका के साथ एग्रीमेंट साइन किया था और तमिलनाडु और श्रीलंका के पास जो एक जगह है पाक स्ट्रेट, वहां पर इसको क्या किया जाएगा? ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इतने पॉइंट्स क्लियर हुए? ओके, क्लियर हो गया, वेरी वेल डन। चलिए, सो यहाँ पर कौन कौन से INS पार्टिसिपेट करेंगे? अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया से INS कार्मोक, L-58 डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये सब इस कॉर्पोरेट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। और वहीं अगर हम इंडोनेशियन साइड से देखें, तो KRI कट, नैक डियन एंड कैप्टियन, पैचमुरा क्लास कॉर्बिट, ये सब क्या करेंगे? इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वैसे ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट आप नॉलेज के लिए इसको लिख सकते हैं और पढ़ लीजिए थोड़ा, मे बी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। तो ये इंडिया की तरफ से और इंडोनेशिया की तरफ से इसमें ये सारे INS क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्सरसाइज में। क्लियर हो गया? चलिए, अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें, सो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड फ्रांस के जो नेवीज हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इंडिया सिर्फ इंडोनेशिया के साथ ही नहीं करता है, और भी कंट्रीज हैं जिनके साथ ही कंडक्ट कराता है। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड फ्रांस, ठीक है। एक आपका गरुड़ शक्ति, वो भी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है ना। चलिए, सो इंडिया कंडक्ट्स कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, दैट इज बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड फ्रांस। क्लियर हो गया? ये जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है, इसका मेन एम क्या होता है? आपको पता है जब भी एक्सरसाइज होती है, तो चाहे वो दो आर्मीज हो, चाहे वो नेवीज हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, उनके बीच में जो भी एक तरीके से जो भी उनके थॉट्स वगैरह होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज होते हैं, उसको आपस में शेयर किया जाता है और उस फील्ड को कैसे और बेटर कर सकते हैं और नई नई टेक्निक्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, बेसिकली इसी चीज़ पर क्या किया जाता है? कोई भी एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाता है, तो इसका भी मेन पर्पस वही है कि जो दो नेवीज है इनकी आपस में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, और जो भी इंटरऑपरेबिलिटी है उसको आपस में ये क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे और उसको और इन्हांस करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? आपकी गरुड़ शक्ति भी होती है ना। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, रेड फ्लैग इंडिया और कौन सी
कंट्री के बीच में होती है, रेड फ्लैग एक्सरसाइज। सो रेड फ्लैग की अगर हम बात करें तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में होता है ना, इंडिया और यूएसए के बीच में रेड फ्लैग एक्सरसाइज होता है। इसके अलावा आपका युद्ध अभ्यास एंड टाइगर ट्रंप वज्र प्रहार, ये सब भी इंडिया और यूएसए के बीच में होता है ना। सो रेड फ्लैग किसके बीच में होता है? इंडिया और यूएसए के बीच में। इसके अलावा युद्ध अभ्यास अभी थोड़ी दिन पहले कंडक्ट कराया गया था, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप, ये सब भी इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, ठीक है। समृद्धि की बात करें तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है, ठीक है। किसके बीच में होता है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। अलनागा और अलनाजा की बात करें तो ये इंडिया और ओमान के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? इंडिया और ओमान के बीच में होता है। ऑस्ट्रो हिंदी की अगर हम बात करें तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। धर्मा गार्जियन की बात करें तो ये जापान के बीच में होता है, इंडिया और जापान। और नसीम अलवार, ये आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। नसीम अलवार ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सारे मैंने आपको बता दिए। रेड फ्लैग की बात करें तो इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। और इसके साथ और भी है आपका, एक आपका युद्ध अभ्यास है, वज्र प्रहार है और टाइगर ट्रंप। ये सब एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूएसए के बीच में, ठीक है। समृद्धि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। अलनागा अलनाजा ये इंडिया और ओमान के बीच में होता है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया नाम से पता चल रहा है। धर्मा गार्जियन इंडिया एंड जापान। और नसीम अलबहर ये किसके बीच में होता है, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, ये आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, वेरी वेलकम। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है तमिलनाडु क्लाइमेट समिट। यहाँ पर तमिलनाडु ने क्या किया है, अपना खुद का क्लाइमेट समिट इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। सो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे पहले आपको याद करना है तमिलनाडु, इसको होल्ड करिए। इसके पहले वाला जो हेडलाइन थी, इसके पहले वाली, वो क्लियर हो गई ना सबको? हाँ, ओके। ओमान इज सी करेक्ट आंसर, वेरी वेल डन। प्रियांश, रूपा, अंतरिप, रश्मि, राहुल, ओके, वेरी वेल डन। बताइए इसके पहले वाली हेडलाइन क्लियर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं तमिलनाडु की। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम क्या है? एम के स्टैलिन। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है एम के स्टैलिन। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। अभी रिसेंटली गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने फिर से क्या किया, शपथ ग्रहण किया, तो उनका नाम क्या है वो बताइए आप जल्दी से। हिमाचल प्रदेश के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम क्या है वो बताइए। और वेस्ट बंगाल के जो नए गवर्नर बने हैं, उनका नाम क्या है? तीनों क्वेश्चन के आंसर फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक हम इसको डिस्कस करते हैं कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, नाम क्या है? एम के स्टैलिन जी। इन्होंने क्या किया है, तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया है। मतलब इन्होंने अपना खुद का एक क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिसेंटली कौन से स्टेट ने क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया है, क्या है ये क्लाइमेट चेंज मिशन? सो क्लाइमेट चेंज मिशन को किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो लेक हो, कोई भी चीज़ है, जो भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है लॉन्ग टर्म बेसिस पर, है ना। लॉन्ग टर्म बेसिस पर हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपके रिवर हो, चाहे वो लेक्स हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। पर्पस क्या है इसका? मेन इसका पर्पस ये है कि जो भी मतलब रिवर्स वगैरह हैं, लेक्स वगैरह हैं, फॉरेस्ट वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके आसपास के जो भी एरियाज हैं, उनको क्या करना है, कार्बन एमिशन, मतलब जीरो कार्बन एमिशन प्लेस बनाना है, उसको कार्बन न्यूट्रल प्लेस बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि हमारे इंडिया का टारगेट रखा गया है, जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा गया है 2070। आप लोगों को पता है टारगेट ईयर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो जो ये जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा गया है इंडिया का, है ना, इंडिया का जो टारगेट रखा गया है जीरो कार्बन एमिशन का, ये कौन सा ईयर है? ये 2070 है। तो तमिलनाडु ने कहा है कि हम 2070 के पहले ही तमिलनाडु को क्या कर लेंगे, जीरो कार्बन एमिशन स्टेट बना लेंगे, है ना। मतलब ये कार्बन न्यूट्रल स्टेट
हो जाएगा। और इन्होंने ईयर रखा है कि ये लगभग 2050 तक, मतलब 2050 तक तमिलनाडु क्या हो जाएगा, ये कार्बन न्यूट्रल स्टेट बन जाएगा। तो इसी टारगेट को अचीव करने के लिए तमिलनाडु ने क्या किया है, अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है, जिससे जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और जो कार्बन एमिशन होता है उसको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, जीरो कार्बन एमिशन स्टेट बनाया जाएगा तमिलनाडु को। क्लियर हुआ ये? सो इंडिया का टारगेट क्या है, 2070 तक क्या करना है, जीरो कार्बन एमिशन ये टारगेट कंप्लीट करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? भूपेंद्र पटेल, सुखविंदर सुखू, सी वी आनंद, वेरी वेल डन प्रियांश, वेरी वेल डन पवन, मौसमी, अवंतिका, ओके वेरी वेल डन। चलिए ये क्लियर हुआ क्या क्या याद करना है। सबसे पहले तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, एन के स्टालिन जी हैं। इन्होंने अपना खुद का तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है, जिससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, है ना, क्या बोलते हैं, लेक्स रिवर वगैरह, इनके आसपास के जो भी एरियाज हैं उनको क्या करना है, जीरो कार्बन एमिशन प्लेस बनाना है। तो इससे क्या होगा, इंडिया का जो टारगेट है 2070 तक इंडिया को जीरो कार्बन एमिशन बनाना, तो वहाँ पर ये 2050 तक खुद को कार्बन न्यूट्रल स्टेट डिक्लेयर कर देंगे, अचीव कर लेंगे ये टारगेट, तो इंडिया को एक तरीके से हेल्प मिल जाएगी अपने इस टारगेट को कंप्लीट करने में। क्लियर हो गया? इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु ये पहला स्टेट है जिन्होंने मिड डे मील स्कीम में इन्होंने क्या किया है, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को ऐड किया है ना। सो ब्रेकफास्ट स्कीम किसने लॉन्च किया था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ये आप लोगों को याद होगा। ओके हाँ, फर्स्ट ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस ये भी आपका चेन्नई में हुआ था, होने वेरी वेल डन प्रयास। चलिए ये हेडलाइन क्लियर हो गई, बस आपको जो जो लिखा हुआ है ये याद करना है, तमिलनाडु याद करना है, एन के स्टालिन जी का नाम याद करना है, क्लाइमेट चेंज मिशन ये लॉन्च करना है, तो क्लाइमेट चेंज लॉन्च नहीं करना, याद करना है। सो क्लाइमेट चेंज मिशन ये आपको याद हो गया, ठीक है, कि तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। इंडिया का टारगेट 2070 है जीरो कार्बन एमिशन और तमिलनाडु ने 2050 तक का टारगेट रखा है, इज इट क्लियर? ओके चलिए, सो तमिलनाडु ये पहला स्टेट बना है जिन्होंने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2021 और 22 का जो बजट आया था है ना, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब इनका जो स्टेट बजट आया था उसमें तमिलनाडु ने डिक्लेयर किया था कि ये क्लाइमेट चेंज मिशन के लिए 500 करोड़ रुपीज अमाउंट क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन है इसके लिए जो अमाउंट एलोकेट किया गया है कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें हम कितना स्पेंड करेंगे, तो जो अमाउंट एलोकेट किया गया है क्लाइमेट चेंज मिशन के लिए वो कितना है, वो 500 करोड़ रुपीज़ है। ये भी एक पॉइंट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सो 500 करोड़ रुपीज़ ये अमाउंट एलोकेट किया गया है किसके लिए, तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन के लिए, इज इट क्लियर? सो तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन के लिए जो अमाउंट एलोकेट किया गया है वो कितना है, वो 500 करोड़ रुपीज़ है। सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क तमिलनाडु, वेरी वेल डन राहुल। ओके चलिए अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, ये आपका एक छोटी सी हेडलाइन है, केरला से रिलेटेड है। अगर हम केरला की बात करें सो केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन जी, इन्होंने केरला का स्टेट सीट फार्म क्या किया है, इसको इनॉग्रेट किया है। फार्म की अगर हम बात करें तो फार्म ये हमारे एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड होता है। फार्म ऐसी जगह पर ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है, उसको स्टोर करके रखते हैं। तो ये सीड फार्म है, मतलब यहाँ पर किस चीज़ को स्टोर करके रखा जाएगा, सीड जो बीज होते हैं उसको स्टोर करके रखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है, केरला, ठीक है। केरला ने क्या किया है, केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन जी ने, इन्होंने केरला का स्टेट सीड फार्म इसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। किसका इनॉग्रेशन इन्होंने किया है, स्टेट सीड फार्म। और इसका इनॉग्रेशन इन्होंने कहाँ किया है, इसका इनॉग्रेशन इन्होंने एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के आलुआ में किया है, ठीक है। कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है, आलुआ में, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के, मतलब जो चेन्नई केरला में जो आपका एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के आलुआ में इस फार्म को क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, सेटअप किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से स्टेट ने स्टेट सीड फार्म का इनॉग्रेशन किया है तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा केरला, है ना। और कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है, तो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के आलुआ में इसको इनॉग्रेट किया गया है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ?
जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? सो वो भी आपका कार्बन न्यूट्रल से रिलेटेड था, ये भी आपका कार्बन न्यूट्रल से रिलेटेड है, क्योंकि ये पहला फार्म है इंडिया में जो आपका कार्बन न्यूट्रल है, ठीक है? सो फर्स्ट फार्म इन इंडिया जो आपका कार्बन न्यूट्रल है वो यही है, दैट इज केरला स्टेट सीड फार्म, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये अलुवा में लोकेटेड है, और केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन जी, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। सो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल सीड फार्म ये कहाँ पर है? ये केरला के अलुवा में सिचुएटेड है, वहाँ पर सेटअप किया गया है, और इनॉग्रेशन इसका पिनरई विजयन जी के द्वारा किया गया। Is it clear? ओके, क्लियर हो गया ना? सो क्लाइमेट चेंज मिशन तमिलनाडु होगा, वो भी आपका कार्बन न्यूट्रल से रिलेटेड है, और स्टेट सीड फार्म ये केरला होगा, ये भी आपका कार्बन न्यूट्रल से रिलेटेड है। सो पहला स्टेट जिन्होंने क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया है, तो आंसर क्या होगा? तब तमिलनाडु होगा, और फर्स्ट स्टेट विथ सीड फार्म कार्बन न्यूट्रल, तो इसका आंसर क्या होगा? केरला होगा। क्लियर हो गया? सो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल सीड फार्म केरला, एंड फर्स्ट क्लाइमेट चेंज मिशन तमिलनाडु। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए दोनों को साथ में रखा है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? सो बेसिकली यहाँ पर किया क्या जाएगा, जो भी हमारे सीड होते हैं ना, उसको स्टोर करके रखा जाएगा। सो द फार्म प्रैक्टिसेस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, ये जो फार्म है ये कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को क्या करेगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा, विच इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द कार्बन दैट गेट्स रिलीज्ड ड्यूरिंग वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन द सॉइल इटसेल्फ। सो इसका मेन पर्पज ये होगा कि जब भी वेरियस जो एक्टिविटीज होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें जो कार्बन एमिट होता है उसको कैसे एब्जॉर्ब करना है, बेसिकली इस चीज पर फोकस किया जाएगा, ठीक है? सो स्टेट सीड फार्म केरला, बस इतना आपको याद करना है। इज इट क्लियर? केरला फर्स्ट सीड, बहुत ज्यादा शॉर्ट में नहीं हो गया? केरला फर्स्ट सीड। चलिए, सो ये बाकी सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कैसे हम इसको, मतलब ये जो आपका फॉर्म बना हुआ है, कैसे यहां पर क्या क्या चीजें की जाएंगी जिससे कार्बन न्यूट्रल जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सके, ठीक है? चलिए अब यहां पर आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है खेलो इंडिया सेंटर से, है ना? अगर हम खेलो इंडिया सेंटर की बात करें तो अभी तक अगर हम बात करें तो मोर देन 700 खेलो इंडिया सेंटर को ऑलरेडी अप्रूवल मिला हुआ है ना? ऑलरेडी आपके मोर देन 700 जो खेलो इंडिया सेंटर्स हैं उसको अप्रूवल मिला है। ये जो खेलो इंडिया सेंटर्स हैं ये क्यों बनाए जाते हैं? जिससे जो स्पोर्ट्स हैं इसको प्रमोट किया जा सके, तो जो भी स्पोर्ट्स हैं इसको प्रमोट किया जा सके, इसलिए आपके खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जाते हैं ना? और आपको याद होगा खेलो इंडिया से दो आपका गेम होता है, एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है और एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होता है ना? सो यहाँ पर जो हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी ने, इन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त तक, यानी कि 15 अगस्त 2023 तक 1000 खेलो इंडिया सेंटर आपके बनाए जाएंगे। सो अभी ऑलरेडी मोर देन 700, ये क्या है, आपके जो खेलो इंडिया सेंटर्स हैं इसको अप्रूवल मिला हुआ है जो ऑलरेडी बन रहे हैं। इसके अलावा 15 अगस्त तक टोटल 1000 खेलो इंडिया सेंटर बन जाएंगे, ठीक है? 15 अगस्त 2023 तक 1000 खेलो इंडिया सेंटर को बना दिया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया किसके द्वारा? अनुराग ठाकुर जी के द्वारा किया गया। क्लियर हो गया? हाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम अभी ये हरियाणा में हुआ था, और नेक्स्ट एडिशन कहाँ पर होगा वो भी बता दीजिए जल्दी से। फोर्थ था ना हरियाणा पंचकुला में जो हुआ था, फिफ्थ कहाँ पर होगा जल्दी से बताइए। चलिए, सो यहाँ पर आते हैं द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, हमारे जो स्पोर्ट मिनिस्टर है नाम क्या है, अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने बताया कि हम 15 अगस्त 2023 तक 1000 खेलो इंडिया स्पोर्ट सेंटर को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, ठीक है? तो आपको बस इतना याद करना है 1000 खेलो इंडिया स्पोर्ट सेंटर, ठीक है? इसका इसको क्या किया जाएगा, इसको सेटअप किया जाएगा कब तक? 15 अगस्त 2023 तक। सो 15 अगस्त 2023 तक 1000 खेलो इंडिया स्पोर्ट सेंटर बनाए जाएंगे। क्लियर हो गया? ओके, चलिए। हाँ, तो मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके, एक हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम होता है ना, और दूसरा होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका जो अभी फोर्थ एडिशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? ये हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, ठीक है? ये आपका हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, और इसका जो नेक्स्ट एडिशन है ये कहाँ पर होगा? ये मध्य प्रदेश में होगा, ठीक? अब मुझे जल्दी से बताइए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका जो नेक्स्ट इसका जो एडिशन अभी रिसेंटली हुआ था ये कहाँ पर हुआ था जल्दी से बताइए? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये आपका कहाँ पर हुआ था? नेक्स्ट कहाँ पर होगा बता दे रहे हैं, नेक्स्ट आपका यूपी में होगा, बट जो रिसेंट एडिशन था ये कहाँ पर हुआ था जल्दी से कमेंट करके बताइए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम,
ओके सो ये आपका कर्नाटका के बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है? ये कहाँ पर हुआ था? कर्नाटका के बेंगलुरु में हुआ था, और ये थर्ड एडिशन होगा जो नेक्स्ट होगा, और ये आपका फिफ्थ एडिशन होगा, ठीक है? सो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, इसका फोर्थ एडिशन हुआ था हरियाणा के पंचकुला में, और फिफ्थ एडिशन मध्य प्रदेश में होगा। वहीं अगर हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तो इसका जो सेकेंड एडिशन है कर्नाटका बेंगलुरु में हुआ था, और इसका जो थर्ड एडिशन है ये यूपी में कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ, वेरी वेल डन। कर्नाटका के बेंगलुरु में किया गया था, यूपी में होगा नेक्स्ट एडिशन इसका, यूपी में होगा, ठीक है? क्लियर हो गया? ओके, इज इट क्लियर? चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर एक एक्सेप्शन बनाया गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप एंड लद्दाख, यहाँ पर दो सेंटर आपके हर डिस्ट्रिक्ट में क्या किए जाएंगे? बनाए जाएंगे, ठीक है? सो यहाँ पर दो सेंटर जो खेलो इंडिया सेंटर है ये बनाए जाएंगे पर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में दो खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे इन सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी में, मतलब ये सभी आपके जो यूनियन टेरेटरी हैं और जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं। क्लियर हो गया? सो टोटल 15th August 2023 तक 1000 खेलो इंडिया सेंटर बनाया जाएगा। अभी मोर देन 700 को ऑलरेडी अप्रूवल मिला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अनुराग ठाकुर जी ये हमारी स्पोर्ट मिनिस्टर हैं और इन्होंने इसका अनाउंसमेंट भी किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? खेलो इंडिया यूथ गेम अभी रिसेंटली हरियाणा पंचकुला में हुआ था, और नेक्स्ट एडिशन इसका मध्य प्रदेश में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की अगर हम बात करें तो इसका रिसेंट एडिशन कर्नाटका के बेंगलुरु में हुआ था, और नेक्स्ट जो एडिशन है ये उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ? ओम तिवारी जी, कल भी मैंने बताया था, पीडीएफ इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? चलिए अब यहां पर आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर। सो फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो जो पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट है इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, ठीक है? सो अब क्या क्या पॉइंट है सबसे पहले आपको याद करना है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लूनर स्पेसक्राफ्ट की, और इस लूनर स्पेसक्राफ्ट का जो नाम है वो है राशिद रोवर, ठीक है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है राशिद रोवर। रोवर का मतलब क्या होता है? रोवर का मतलब होता है जो सरफेस पे जो उतरने वाला होता है, जो सतह पर उतरता है उसको हम रोवर बोलते हैं। और राशिद की अगर हम बात करें तो दुबई के जो स्थापक थे, है ना, दुबई के जिन्होंने स्थापना की थी उनका नाम क्या था? मोहम्मद बिन राशिद, उनके नाम से ये राशिद वर्ड यहाँ पर लिया गया है, ठीक है? सो दुबई के जो संस्थापक थे बोल सकते हैं, या जिन्होंने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था, जिनका नाम क्या है? मोहम्मद बिन राशिद, उनके नाम पर ये राशिद वर्ड लिया गया है। और रोवर का मतलब होता है जो सर्फेस पर आपका लैंड करता है ना। सो इसका नाम क्या है? इसका नाम है राशिद रोवर, और ये क्या है? ये लूनर स्पेसक्राफ्ट है। ये आपका क्या है? ये लूनर स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है? इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, ठीक है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें तो थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया गया था, है ना? चलिए सो अब यहां पर पढ़ते हैं इसको कहाँ से लॉन्च किया गया। ये जो राशिद रोवर है, जो स्पेस क्राफ्ट है, इसको स्पेस एक्स कंपनी की जो फाल्कन 9 रॉकेट है, क्या है आपका ये? फाल्कन 9 रॉकेट से आपका ये क्या किया गया? इसको लॉन्च किया गया कहाँ पर? यूएसए के फ्लोरिडा में, ठीक है? सो फ्लोरिडा, यूएसए के फ्लोरिडा में इस फाल्कन 9 रॉकेट से इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? सबसे पहले आपको क्या याद करना है? देखिए हेडलाइन हमारी क्या थी? हेडलाइन हमारी थी कि जो पहला अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट है, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा जो पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट बनाया गया इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, ठीक है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो आपका लूनर स्पेसक्राफ्ट है जिसको इसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है राशिद रोवर, ठीक है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है राशिद रोवर। और अगर राशिद वर्ड की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद जी के नाम पर इसको एक तरीके से उनको सम्मान देने के लिए इसका नाम रखा गया, दैट इज राशिद रोवर। किसने लॉन्च किया? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया? तो जो स्पेस एक्स कंपनी की फाल्कन 9 रॉकेट है उससे इसको लॉन्च किया गया, कहाँ पर? यूएसए के फ्लोरिडा से, ठीक है? सो यूएसए के फ्लोरिडा से स्पेस एक्स कंपनी की जो फाल्कन 9 रॉकेट है उससे इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया, कैरी आउट किया गया। क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ ये?
हाँ जी, मैंडुआ साइक्लोन का नाम भी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के द्वारा रखा गया। वेरी वेल डन। अभी थोड़े दिन पहले इंडोनेशिया में भी कोई वॉल्केनो एक्टिव हुआ था, उसका नाम क्या है वो भी जल्दी से बता दीजिए। अभी हम लोगों ने इंडोनेशिया पढ़ा था ना कॉर्पेट एक्सरसाइज, तो इंडोनेशिया में भी कोई आपका वॉल्केनो एक्टिव हुआ था, उसका नाम बता दीजिए जल्दी से क्या है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। नेम्ड एज राशिद रोवर वॉज बिल्ट बाई दुबईज मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर। ये जो राशिद रोवर, ये रॉकेट स्पेस क्राफ्ट है, इसको किसके द्वारा बनाया गया? दुबई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर के द्वारा बनाया गया। कहाँ पर? यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में। क्लियर हो गया? तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करना है। सबसे पहले यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ने अपना जो पहला इन्होंने लूनर स्पेस क्राफ्ट बनाया, इसको सक्सेसफुली इन्होंने लॉन्च किया। नाम क्या है इस स्पेस क्राफ्ट का? राशिद रोवर इसका नाम है। और यूएसए के फ्लोरिडा में जो स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट है, उससे इसको लॉन्च किया गया और राशिद रोवर इसका नाम है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। क्लियर हो गया? इंडोनेशिया में कौन सा वॉल्केनो एक्टिव हुआ था? ओके, चलिए अब यहां पर आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर। और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है, लास्ट वाली हेडलाइन क्लियर हो गई ना सबको? एक बार फटाफट से कॉमेंट करके बताइए लास्ट वाली एक्सरसाइज क्लियर, हेडलाइन क्लियर हुई या नहीं? इसके पहले वाली हेडलाइन सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए यस और नो, देन हम नेक्स्ट हेडलाइन पर आते हैं। सोमेरु, एग्जैक्टली उसका नाम है सोमेरु। ठीक है, इंडोनेशिया में जो अभी आपका वॉल्केनो एक्टिव हुआ था उसका नाम सोमेरु है। वेरी वेल डन राहुल। चलिए बताइए, क्लियर है ना सबको? क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट से आंसर बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN? IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बताइए। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर। 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट एंटर इनटू IUCN रेड लिस्ट। तो 3 हमारे हिमालयन मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय प्लांट है, जिसको क्या किया गया है IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। IUCN के रेड लिस्ट में शामिल करने का मतलब ये होता है कि ये जो है बहुत ही, मतलब ये जो हिमालयन मेडिसिनल प्लांट है ये आपके यूजफुल है बट ये आपके एक्सटेंट हो रहे हैं ना, तो इनको एक तरीके से रेड लिस्ट में रख दिया गया है कि अभी इनको प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, अदरवाइज ये एक टाइम पर, आने वाले टाइम पर एक्सटेंट हो जाएंगे, है ना। सो 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट है जिनको क्या किया गया है IUCN के रेड लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वेरी वेल डन। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये क्या है IUCN का फुल फॉर्म है। सो 3 मेडिसिनल प्लांट हैं जिनको क्या किया गया है IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। सो 3 मेडिसिनल प्लांट, कितने मेडिसिनल प्लांट हैं? 3 आपके हिमालयन मेडिसिनल प्लांट हैं जिनको क्या किया गया है, जिनको IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है, ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज फॉलोइंग एन असेसमेंट। ठीक है, क्योंकि ये आपके यूजफुल प्लांट्स है ना। ये आपके जो मेडिसिनल प्लांट है ये आपके बहुत ही यूजफुल है, अलग अलग टाइप के डिजीज में इनका यूज होता है और ये अभी एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ गए कि मतलब अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, इनको कंजर्व नहीं किया गया तो ये आगे चल के खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी यूजफुल होती है, कोई भी आपके स्पीसीज हैं, कोई भी चीज़ है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? IUCN करता है कि किन चीज़ों को हमें कंजर्व करना है, किनको कौन सी लिस्ट में शामिल करना है। तो यहाँ पर 3 आपके हिमालयन मेडिसिनल प्लांट है को IUCN ने क्या किया है, रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। ठीक है, अगर हम इन स्पीसीज की बात करें तो ये आपके हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं और ये नेपाल, इंडिया, चाइना, सिक्किम, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक क्या हुआ है, फैला हुआ है, मतलब यहां तक ये पाया जाता है। सो ये जो आपके 3 मेडिसिनल प्लांट हैं ये आपके नेपाल, इंडिया, चाइना, सिक्किम, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं और अलग अलग टाइप के डिजीज में इनका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, हाँ जी, IUCN का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है। वेरी वेल डन। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं वो 3 प्लांट हैं कौन कौन से, है ना, वो 3 स्पीसीज कौन से हैं, 3 मेडिसिनल प्लांट कौन से हैं जिनको IUCN ने रेड लिस्ट में शामिल किया है। तो सबसे पहला जो नाम है वो है पटवा। ठीक है, क्या नाम है? पटवा, कॉमन नेम है पटवा और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मीजोट्रोपिस पेरिटा। क्या नाम है? मीजोट्रोपिस पेरिटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। हिंदी में हम इसको, मतलब इसका जो कॉमन नेम है इसको पटवा बोलते हैं। अगर इस मेडिसिन की अगर हम बात करें, है ना, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका यूजफुल होता है, ये एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये क्या होता है? ये एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, अगर हम पटवा की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का
एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो स्पीसीज है ना, नेक्स्ट जो स्पीसीज है उसको हिमालयन फ्रिटलेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमालयन फ्रिटलेरी, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फ्रिटलेरिया सिरोसा। क्या नाम है? फ्रिटलेरिया सिरोसा, ये दूसरी स्पीसीज है। इसकी अगर हम बात करें तो जो भी हमारी एक तरीके से लंग से रिलेटेड डिजीज़ होती है, लाइक आपका न्यूमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इस टाइप से, मतलब लंग से रिलेटेड या फिर हम बोल सकते हैं सांस से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होते हैं उसमें इनका यूज़ किया जाता है, चाहे वो निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, है ना, इस टाइप के डिजीज़ में, अस्थमा वगैरह, उसमें यूज़ किया जाता है। और वहीं अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा का नाम है सलमपांजा। क्या नाम है इसका? सलमपांजा, ये कॉमन नेम है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है डैक्टिलोराइजा हेटैग्रिया, ठीक है, इसका नाम क्या है? डैक्टिलोराइजा हेटैग्रिया, और इसका जो कॉमन नेम है वो है सलमपांजा, ठीक है। सो ये भी आपका एक तरीके से बहुत सारी डिजीज में यूज़ किए जाते हैं। तो ये सभी क्या है? आपके एक तरीके से मेडिसिनल प्लांट है जो अलग अलग टाइप के डिजीज में क्या होते हैं? यूज़ किए जाते हैं। तो तीनों स्पीसीज का नाम आपको याद करना है। इंपॉर्टेंट क्या है? कॉमन नेम तो आपको याद करना ही है, इसके अलावा इनका जो साइंटिफिक नेम है ना, ये भी आपको याद करना है। तो कॉमन नेम भी याद कर लीजिएगा और साइंटिफिक नेम भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। सलमपांजा की अगर हम बात करें तो स्टमक से रिलेटेड जो भी हमारे डिजीज होती है, मतलब पेट संबंधी जो बीमारी होती है, उसमें इसका यूज किया जाता है, क्लियर हो गया। तीन स्पीसीज हैं जिनको IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है। ये तीनों आपके हिमालयन मेडिसिनल प्लांट है। एक का नाम है पटवा, दूसरे का नाम है हिमालयन फिटलेरी, और तीसरे का नाम है सलमपांजा। पटवा की बात करें तो ये आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है। हिमालयन फिटलेरी की बात करें तो सांस से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और सलमपांजा की बात करें तो हमारे पेट से रिलेटेड यानी कि स्टमक से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये साइंटिफिक नेम है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ओके, क्लियर हो गया। हाँ जी, हिमालयन याक को फसाई ने एज अ फूड एनिमल डिक्लेयर किया है। वेरी वेल डन रूपा, ओके। अब यहाँ पर आते हैं, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ को डिक्लेयर कर दिया गया है। और मेंस और वीमेंस कैटेगरी में जो दो नए नाम सामने आए हैं वो है जोस बटलर एंड सिद्रा अमीन। सो सिद्रा अमीन एंड जोस बटलर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया है नवंबर मंथ के लिए, और ये मेंस और वीमेंस कैटेगरी में है, ठीक है। चलिए डिटेल में देखते हैं। सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इन्होंने क्या किया है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया है। कौन से मंथ के लिए? नवंबर के लिए, ठीक है। सो नवंबर मंथ के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अनाउंस कर दिया गया है। सो इंग्लैंड के जो कैप्टन है, नाम क्या है? जोस बटलर। तो आपको बस इतना ही कॉपी में लिखना है, जोस बटलर, ब्रैकेट में लिखना है इंग्लैंड। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, और इनको ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। कौन से मंथ के लिए? ये लिखा हुआ है नवंबर, ठीक है। सो नवंबर मंथ में जो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है जोस बटलर, और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, क्लियर हो गया। जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? हाँ, जोस बटलर ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगर वीमेंस कैटेगरी की बात करें तो पाकिस्तान की ओपनिंग बैटर सिद्रा अमीन, क्या नाम है इनका? सिद्रा अमीन, इनको ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ क्या किया गया है? डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। सो ये पाकिस्तान और वो इंग्लैंड, क्लियर हो गया। सो दोनों नाम आपको याद करना है, जोस बटलर एंड सिद्रा अमीन, इनको मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अनाउंस किया गया है। और कौन से मंथ के लिए? नवंबर मंथ के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। नवंबर मंथ के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, मतलब विनर अनाउंस किया गया। चलिए बाकी ये कंप्लीट लिस्ट है आपकी जनवरी से लेके नवंबर तक की। ऑलरेडी हर महीने ये लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, तो जो लोग नए हैं जिनके पास ये लिस्ट नहीं है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर PDF में मिल जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सो जनवरी की बात करें तो मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में पता है आपका कीगन पीटरसन एंड हेदर नाइट है। फेब्रवरी में बात करें तो श्रेयस अय्यर एंड अमेलिया केर हैं। मार्च की बात करें तो बाबर आजम एंड रेसेल हैंस हैं। अप्रैल में केशव महाराज एंड एलाइजा हेली है। इसके बाद अगर हम बात करें मई मंथ की तो एंजेलो मैथ्यूज एंड टूबा हसन को बनाया गया था। जून में जॉनी बेस्टो एंड मरिजेन काप को बनाया गया था। जुलाई मंथ में प्रभात जयसूर्या एंड इमा लैम्ब को बनाया गया था। अगस्त मंथ में सिकंदर रजा एंड ताहिला मैग्राथ को बनाया गया था। ये सारी लिस्ट आप लोगों के पास ऑलरेडी है क्योंकि हर महीने जब प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किए जाते हैं तो मैं आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करती हूँ।
सितंबर मंथ की बात करें तो मोहम्मद रिजवान एंड हरमनप्रीत कौर को बनाया गया था। अक्टूबर मंथ में विराट कोहली एंड निधा दर को बनाया गया था एंड नवंबर मंथ में जोस बटलर एंड सिद्रा अमीन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है फॉर मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी। और यहां पर लास्ट मंथ की बात करें तो विराट कोहली एंड निधा दर को बनाया गया था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। क्लियर हो गया, जल्दी बताइए क्लियर हुआ ये। सो लिस्ट आपके सामने एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्टिंग से ये आपका जनवरी मंथ का है, जनवरी से अप्रैल तक का, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका मई से अगस्त मंथ का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड लास्ट वन इज सेप्टेम्बर टू नवंबर, ठीक है। फिर जनवरी मंथ में हमें पता चलेगा दिसंबर का, तो उसको हम लोग बताएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, और हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है अगेन इट इज़ रिलेटेड टू केरला। सो केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है, पिनरई विजयन जी ने, इन्होंने इंडिया का जो लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल है इसका इनॉग्रेशन किया। कहाँ पर? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। सो केरला चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट्स इंडियाज लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल इन कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद क्या करना है, इंडिया का जो लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल है इसको कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा किया गया, केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। सो केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन जी, इन्होंने कंट्री का जो पहला चार्टर्ड गेटवे है और जो बिजनेस जेट टर्मिनल है इसका इनॉग्रेशन इन्होंने किया कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, ठीक है। इसके साथ ही जो कोचिन एयरपोर्ट है ये फोर्थ एयरपोर्ट बन गया है कंट्री का टू ऑपरेट अ प्राइवेट जेट टर्मिनल। सो प्राइवेट जेट टर्मिनल ऑपरेट करने वाला ये चौथा एयरपोर्ट बन गया है हमारी कंट्री का। कौन सी एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये फोर्थ एयरपोर्ट बन गया है हमारी कंट्री का जो प्राइवेट जेट टर्मिनल को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। क्लियर हो गया, चलिए इसमें आपको बस ये याद करना है, मेन ये आपका वन लाइनर हेडलाइन ही है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल है इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में किया गया है वन लाइनर के फॉर्म में। बाकी सारी इसमें बस डिटेल लिखी हुई है क्या चीज़ कैसे रिलेटेड है, तो वो आपको देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर जल्दी से मुझे आंसर बताइए, डोनी पोलो एयरपोर्ट ये न्यूज़ में था आपका, डोनी पोलो एयरपोर्ट ये कौन से स्टेट का तीसरा एयरपोर्ट है जिसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि कौन सा एयरपोर्ट है जो कम्प्लीटली आपका हाइड्रो और सोलर पावर पर रन करेगा, हाइड्रो और सोलर पावर पर पूरी तरीके से रन करने वाला कौन सा एयरपोर्ट है हमारी कंट्री का, पहला एयरपोर्ट जो पूरी तरीके से हाइड्रो और सोलर एनर्जी पर रन करता है, ठीक है। और डोनी पोलो एयरपोर्ट ये आपका कहाँ पर है, और एक और था आपका गोवा में जो आपका एयरपोर्ट है ना, गोवा में रिसेंटली कौन सा एयरपोर्ट है जिसका नाम मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया है, उसका नाम बताइए। तीनों क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए, डोनी पोलो, हाइड्रो सोलर पावर एंड गोवा में वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसका नाम मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया है। सॉरी ओके, सो वेरी वेल डन, अरुणाचल प्रदेश। सो तेजू और पासीघाट के बाद ये डोनी पोलो तीसरा एयरपोर्ट है कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का, है ना। हाइड्रो और सोलर पावर पर रन करने वाला जो पहला एयरपोर्ट है ये कौन सा है, ये आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और गोवा का जो मोपा एयरपोर्ट है इसका नाम चेंज करके रखा गया है किसके नाम पर, मनोहर पारिकर जी के नाम पर, है ना। तो ये तीन आपके रिसेंट एयरपोर्ट से रिलेटेड हेडलाइंस हैं जो आप लोगों ने पढ़ी थी, ठीक। अब आते हैं एमसीक्यू सेशन पर जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइए, इडन हैजार्ड हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल फुटबॉल, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। इडन हैजार्ड इन्होंने रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से क्या किया है, अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्पेन, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, बेल्जियम, क्या होगा इसका आंसर। ओके वेरी वेल डन लक्ष्मण, सुरभि, नितिन, संचिता, अभिषेक, लक्ष्मण, पूनम, ओके इसका आंसर क्या होगा। ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेल्जियम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बेल्जियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु पब्लिश्ड द बुक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा ये जो बुक है इसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया, झुंबा लाहिरी, मानसी गुलाटी, अरुंधति रॉय या फिर चेतन भगत, मतलब इसके ऑथर कौन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हु पब्लिश्ड द बुक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा के ऑथर कौन है।
ओके वेरी गुड. सो मानसी गुलाटी इज द करेक्ट आंसर. इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मानसी गुलाटी. नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ द सिक्स वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन विच रूट रिसेंटली. जो सिक्स वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च की गई है इसका रूट क्या है? बिलासपुर टू मुंबई, बिलासपुर टू नागपुर, बिलासपुर टू न्यू दिल्ली या फिर बिलासपुर टू चेन्नई. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सिक्स वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट क्या है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा. ओके वेरी गुड. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिलासपुर टू नागपुर. नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा इन नॉर्थ गोवा रिसेंटली. ही नेम्ड दिस एयरपोर्ट आफ्टर विच पर्सन. वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि जो मोपा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गोवा में, इसका नाम किन के नाम पर रखा गया है? मनोहर पारिकर, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी. क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा. ओके वेरी वेल डन. सो मनोहर पारिकर इज द करेक्ट आंसर. मनोहर पारिकर जी के नाम पर ये रखा गया है. इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली. सो हाल ही में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर केरला. क्या होगा इसका आंसर? आज ही पढ़ा है हम लोगों ने इसको. तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर केरला. क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर. वेरी गुड. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला. क्या है करेक्ट आंसर? केरला इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश रिसेंटली. सो हिमाचल प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुखू, मुकेश अग्निहोत्री, भूपेंद्र पटेल या फिर एकनाथ शिंदे. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हिमाचल प्रदेश के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 का आंसर 1 तो होगा नहीं, मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर पूछा है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुकेश अग्निहोत्री. वो चीफ मिनिस्टर बने हैं. क्वेश्चन में मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर पूछा है, ठीक है? तो इसका आंसर मुकेश अग्निहोत्री होगा. अगर मैंने चीफ मिनिस्टर पूछा होता तब आंसर सुखविंदर सिंह सुखू होता, ठीक है? आंसर क्या होगा? मुकेश अग्निहोत्री, इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया. सो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हर्ष सांघवी, कमलेश मेहता, दुष्यंत चौटाला या फिर मेघना अहलावत. इसका आंसर क्या होगा? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेघना अहलावत. मेघना अहलावत इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज बीन अवार्डेड द फर्स्ट पोजीशन इन द कैटेगरी फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन. कल हम लोगों ने इसको पढ़ा था. आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन में कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने फर्स्ट पोजीशन को गेन किया है? दिल्ली, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? इसका आंसर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी एंड द कंट्री. सो किसने अपने कम्युनिटी और कंट्री के लिए जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इसके लिए इनको प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता, राजीव कुमार, कृष्णा वाविलाला या फिर आर के गुप्ता. इसका आंसर क्या होगा? ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कृष्णा वाविलाला, ठीक है? एंड ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज डे ये हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? ये क्या है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है. इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि नोबेल प्राइज डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है. 9th दिसंबर, 10th दिसंबर, 11th दिसंबर या फिर 12th ऑफ दिसंबर को, ठीक है? तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है. नेक्स्ट आपकी एडिटोरियल की क्लास होगी उसमें आप लोग कंटिन्यू करिएगा और 12:30 बजे आप लोगों का वेबिनार होगा उसमें आप लोग जरूर कनेक्ट होइएगा हमारे साथ, ठीक है? चलिए सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब.